हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी के रिस्क असेसमेंट के बारे में। और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन साइट का जो है एक सिनारियो जो है यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसके थ्रू जो है आपको रिस्क असेसमेंट जो है उसका हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट जो है उसका हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपको समझ में आए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो कौन सा प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर जो है कंसीडर किया है, उस प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में। तो प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट का नाम है, बिल्डिंग का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है 123 मेन स्ट्रीट पर। अब ये डेट जो है आज की यहाँ पर मेंशन की गई है। अब इसको जो है असेसमेंट किसने किया है, तो असेसमेंट टीम के यहाँ पर नाम आप दे सकते हो, जॉन स्मिथ जो है वो है यहाँ पर साइट मैनेजर, सरा जॉनसन जो है वो है यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर, माइक ब्राउन जो है वो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर। तो यहाँ पर जो है ये तीन लोगों की हेल्प से जो है यहाँ पर इसका जो है रिस्क असेसमेंट जो है वो हुआ है। अब एक सिनारियो हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये कौन सा सिनारियो है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर जो काम चालू है, कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है जो 123 मेन स्ट्रीट पर जो है हो रहा है, तो इसमें जो है मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसका जो है इरेक्शंस हो रहा है, वो भी 12 महीने तक, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 12 महीने तक जो है ये चलने वाला है। तो ये जो साइट है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो जहाँ पर जो है ज़्यादा पॉपुलेटेड जो एरिया है वहाँ पर जो है ये साइट वहाँ पर है। और इसके साइट के नज़दीक में जो है पेडिस्ट्रियन जो है, जो भी वर्कर्स हो या फिर पेडिस्ट्रियन जो भी वहाँ पर जाना आना कर रहे हैं वो वहाँ से जाते हैं। इसके साथ साथ जो है व्हीकलर जो मूवमेंट है, व्हीकलर जो ट्राफिक है वो भी जो है उसके नज़दीक से जो है वो जा रही है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इसमें जो है प्राइमरी रिस्क क्या है उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। इसके साथ साथ ये जो रिस्क है इसका जो है लेवल कैटेगरी क्या है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पर ये सिनारियो जो है कंप्लीट यहाँ पर जो है हो जाता है। अब इस सिनारियो के बेसिस के ऊपर जो है हमें यहाँ पर जो है इसका रिस्क असेसमेंट जो है वो करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर सिनारियो लिया है, प्रोजेक्ट साइड जो ली है, तो इसमें जो है कौन कौन से खतरे का जो है हमें सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला जो खतरा है वो है फॉल फ्रॉम हाइट। तो ये जो हज़ार से ये हमें जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो है ये फॉल फ्रॉम जो हाइट हज़ार है, ये इसकी जो रिस्क लेवल है वो ज़्यादा है, हाई है। क्यों है, क्योंकि हाइट का जो है वो 2 मीटर की हाइट हो, 3 मीटर या 4 मीटर की अगर हाइट से अगर कोई पर्सन अगर गिरता है तो उसकी जो सेवरिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर किसी को जो है सर के ऊपर अगर चोट लगती है तो उसको जो है ज़्यादा इंजुरी हो सकती है, यहाँ तक कि उसका फेटल एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसकी जो है रिस्क लेवल जो है यहाँ पर ज़्यादा है। डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो वर्क एट हाइट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंस्ट्रक्शन का जो है प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर स्कैफोल्डिंग का तो ज़रूरत रहेगी। तो स्कैफोल्डिंग का जब इंस्टॉल करते हैं मतलब यहाँ पर वर्क एट हाइट का काम होता है, रूफ वर्क का जो है यहाँ पर काम होता है, और हाई लेवल जो है कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जब हाई लेवल पर जब आप काम करोगे तो यहाँ पर जो है ऊपर से जो है नीचे गिरने की जो है रिस्क यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होती है। अब ये जो हमने यहाँ पर रिस्क लेवल लिया है, जो हाई लिया है, तो ये आपको समझना होगा। ये आप कब समझ सकते हो, जब आपको जो है रिस्क मैट्रिक्स के बारे में पता होगा। अब रिस्क मैट्रिक्स क्या होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसमें जो है आपको समझाया था कि ये जो रिस्क लेवल है ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे इसको जो है हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि तीन तरह की जो है रिस्क लेवल आती है, जिसमें जो है होती है लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। तो ये जो है तीन तरह की जो है रिस्क होती है। रिस्क मैट्रिक्स का जो है जब आप चार्ट देखोगे तो एक साइड से जो है आपकी जो है यहाँ पर लाइकलीहुड होता है, लाइकलीहुड। अब लाइकलीहुड का मतलब होता है चांस, प्रोबेबिलिटी, इसको आप जो है प्रोबेबिलिटी भी जो है वो कह सकते हो। और यहाँ पर दूसरी बाजू में जो होता है इसका होता है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट यानी कि इसकी क्या होती है सेवरिटी क्या है, ठीक है। तो जब ये रिस्क मैट्रिक्स का मतलब ही होता है लाइकलीहुड बाय सेवरिटी, ठीक है, लाइकलीहुड बाय सेवरिटी। जब इसका रिजल्ट हमें मिलता है तो हम रिस्क मैट्रिक्स की मदद से जो है यहाँ पर उसकी रिस्क लेवल क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। तो लाइकलीहुड क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं और उसका जो है इम्पैक्ट क्या हो सकता है। जैसे कि अब इसका जो है लाइकलीहुड मतलब ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है। अब यहाँ पर हमने देखा है वर्क एट हाइट में जो है काम हो रहा है, मतलब स्कैफोल्डिंग का वहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर पर्सन अगर ऊपर से अगर नीचे गिरता है तो उसकी जो है प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है उसका जो है ऊपर से नीचे गिरने का, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। अगर हाइट पे अगर कंटिन्यू काम चलते रहता है, वहाँ पर जो है सही तरीके से अगर प्रोटेक्शंस नहीं है,
अगर आपको लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा रिक्स है तो आप जो है वहाँ पर नंबरिंग जो है वो ज़्यादा दे सकते हो। फिर उसके बाद जो है अगर वो ऊपर से हाइट से अगर नीचे गिरता है तो उसका जो है इम्पैक्ट क्या होगा, तो जैसे कि इसमें जो है कितना जो है उसकी में सेवरिटी है, नीचे गिरेगा तो उसको जो है हेड इंजुरी हो सकती है, इसके अलावा भी जो है उसको ज़्यादा जो है जैसे कि हम बोलते हैं ना क्या बोलते हैं कि परमानेंट डिसेबिलिटी भी जो है वो हो सकती है, या फिर जो है टेम्पररी डिसेबिलिटी भी जो है वो हो सकती है, या फिर जो है फर्टल एक्सीडेंट भी जो है वो हो सकता है। तो ये सारी जो है इंजुरी जो है यानी कि ये जो सेवरिटी है वो उसमें होती है, तो इसलिए जो है इसका रिस्क लेवल जो है हाई है। अगर आपको जो है रिस्क मैट्रिक्स को अगर कम्प्लीटली समझना है तो उसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर जो है इसको कम्प्लीटली समझ सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं हमारे जो है नेक्स्ट जो हज़ार्ड है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हज़ार्ड है वो है स्ट्रक बाय एक्सीडेंट। अब इसकी जो रिस्क लेवल है वो है मीडियम। अब वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको इसके पहले बता ही दिया है। अब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया ये जो है ये कंस्ट्रक्शन साइट है। अब कंस्ट्रक्शन साइट कहाँ पर है कि जहाँ पर जो है लोगों का ज़्यादातर जो है जाना आना है, पेडिस्ट्रियन जो है वहाँ पर जो है लोग जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है व्हीकल की वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। तो हेवी मशीनरीज हो गया, व्हीकल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, वो कंस्ट्रक्शन एरिया में जो है उसकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो इस वक्त क्या हो सकता है कि वहाँ पर जो भी वर्कर्स वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच में जो है स्ट्रक हो सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे जो है थर्ड हज़ार्ड क्या है उसके बारे में। थर्ड जो हज़ार्ड है वो है इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड, जो हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है देखने को मिलता है। तो इसकी जो रिस्क लेवल है वो है हाई। अब जैसे कि इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड कैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट में जब आप काम करते हो तो वहाँ पर जो है लाइव वायर के साथ में जो है आप एक्सपोज हो सकते हो। अगर उसका जो है ग्राउंडिंग अगर सही नहीं है वो भी एक हज़ार्ड है। वहाँ पर फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का अगर जो है आप इस्तेमाल करते हो तो वो भी जो है वहाँ पर हज़ार्ड है। तो इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लग सकता है, यहाँ तक कि फायर भी जो है वो लग सकती है। ये यहाँ पर जो है रिस्क इन्वॉल्व है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हज़ार्ड क्या है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो हज़ार्ड है वो है स्लिप ट्रिप और फॉल्स का। ये इसकी जो रिस्क लेवल है वो है मीडियम। अब यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है अनइवन अगर सरफेसेस तो वो भी हज़ार्ड है, उसकी वजह से जो है स्लिप ट्रिप फॉल जो है हज़ार्ड क्रिएट हो सकता है। डेब्रीज अगर सही से वहाँ पर अगर नहीं रखा गया है, मतलब उसको जो है सही से स्टोरेज नहीं किया गया है, अनइवन है, तो वो भी जो है एक हज़ार्ड हो गया। ठीक है, वेदर कंडीशंस अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से भी जो है स्लिप ट्रिप या फिर फॉल जो है वो साइट पर हो सकते हैं, जैसे कि खास तौर से बारिश वाले जो दिन है उसमें जो है ये आपको देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हज़ार्ड के बारे में। तो नेक्स्ट जो हज़ार्ड है वो है हज़ार्डस मटेरियल। अब ये जो इसकी जो रिस्क लेवल है वो है मीडियम। अब कंस्ट्रक्शन साइट पर जो है आपको पता ही होगा पेंट हो, सॉल्वेंट हो या फिर केमिकल्स जो है उसका इस्तेमाल होता ही है। तो इसका जो है आपको जो है उसका हैंडलिंग करना, उसका जो है सही से स्टोरेज करना वो ज़रूरी होता है। अगर आपको जो है आप जो है उसको सही से हैंडल नहीं करते हो, स्टोरेज नहीं करते हो, तो वो जो है वो आप एक्सपोज कर सकते हो। मतलब आपको जो है वो जो पेंट वगैरह है या फिर केमिकल जो है उसके ज़रिए जो है वो आपको एक्सपोज हो जाएगा, अगर आप जो है उसको सही से ध्यान से अगर उसकी केयर नहीं करते हो तो। या फिर जो है वो पेंट हो या फिर केमिकल हो वो एक्सीडेंटली भी जो है स्पिल हो सकता है। तो ये जो है इसमें रिस्क जो है यहाँ पर इन्वॉल्व है। अब ये हमने यहाँ पर हज़ार्ड की बात कर ली। चलिए अब हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो हमने हज़ार्ड यहाँ पर देखा था वो था फॉल फ्रॉम हाइट का। तो इसके लिए हम क्या मिटिगेशंस कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जितने भी यहाँ पर वर्कर्स हैं उन सभी को जो है प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन गियर जो है वो हमने प्रोवाइड किए गए हैं क्या, उस चीज़ को जो है यहाँ पर इंश्योर करना है। इसके साथ साथ रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग जो है उनको वर्क एट हाइट के बारे में जो है देना, ये भी जो है काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है हमें वहाँ पर जो है स्कैफोल्डिंग का डेली जो है इंस्पेक्शंस करना ज़रूरी है, ये चीज़ जो है आपने करना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी एलिवेटेड वर्क एरियाज़ है उसको भी जो है डेली इंस्पेक्शंस करना है, ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब ये जो है हमने यहाँ पर मिटिगेशन इसके लिए लिए हैं, कंट्रोल मेजर्स हो या फिर प्रिवेंटिव मेजर जो हमने यहाँ पर लिए हैं, तो इसके लिए जो है कौन जिम्मेदार है? तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पर कौन है? सरा जॉनसन। अब सरा जॉनसन कौन है? तो जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया था सीनियरियो में ही कि सरा जॉनसन जो है वो है यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर की जो है ये जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है फॉल फ्रॉम हाइट के बारे में यहाँ पर जो है देखा है। क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर की जो है जिम्मेदारी क्यों, आप बोलोगे कि ये तो सेफ्टी ऑफिसर की नहीं, जो मैनेजर है उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन आप सेफ्टी ट्रेनिंग जो कंडक्ट करना है वो उनकी ही जिम्मेदारी होती है सेफ्टी पर्सन को।
फायर प्रोटेक्शन जो गियर है वो भी जो है सेफ्टी पर्सन ही जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ जो है स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन हो गया या फिर रिलेटेड जो वर्कर एरियाज है उसका जो है इंस्पेक्शन हो गया, वो भी जो है सेफ्टी पर्सन को ही जो है करना होता है। तो यहाँ पर जो है आप प्राइमरी जो है जिम्मेदारी जो है इनको दे सकते हो। इसके साथ साथ जो है जो साइट के जो इंजीनियर्स है या फिर जो साइट मैनेजर है उनकी भी जो है आप जिम्मेदारी जो है यहाँ पर दे सकते हो, उनका भी जो है आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। अब ये जो है इसकी टाइमलाइन क्या है, ये जो है कब कंप्लीट करना है, तो ये जो है प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है उसके थ्रू आउट यानी कि कंटिन्यूस जो है ये चीज़ें करती रहनी है। ट्रेनिंग जो रहेगी वो जो है आपको जैसे ही नए नए इम्प्लॉयज़ आते हैं तो उनकी जो है ट्रेनिंग करनी होगी। इसके अलावा भी जो है साइट पर टूल बॉक्स टॉक मीटिंग हो या फिर ऑन जॉब साइट ट्रेनिंग जो है वो भी कंडक्ट करना होता है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर फाल जो हज़ार है फाइट का, तो इसका जो है रिस्क असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हज़ार था जो हमने देखा था स्ट्रक बाय एक्सीडेंट का उसके बारे में, तो इसके लिए हम क्या मिटिगेशंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, तो स्ट्रिक्ट जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है वो हमें यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करना है, और जो पेडिस्ट्रियन जो पाथवेज है वहाँ पर जो है डेसिग्नेटेड क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर पाथवे जो है वहाँ पर जो है होना चाहिए, वो डेसिग्नेटेड क्लियर पाथवे जो है प्रोवाइड करना है वहाँ पर। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर स्पीड की जो लिमिट है व्हीकल की और मशीनरी की उसको भी जो है यहाँ पर इन्फोर्स करना है, और प्रोवाइड करना है वहाँ पर हाई विजिबिलिटी जो क्लोथिंग है सभी वर्कर्स के लिए वो। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार पर्सन है, तो वो है जॉन स्मिथ। ठीक है, टाइमलाइन की अगर बात करें तो ये कब करना है, तो जब प्रोजेक्ट का जो इनिशियल जो होता है तो वहाँ से लेके कंप्लीशन तक जो है इसको जो है आपको इन्फोर्स करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे जो है थर्ड जो हज़ार था उसके लिए, तो इलेक्ट्रिकल जो हज़ार्ड्स है इसके लिए हम क्या मिटिगेशंस ले सकते हैं। तो रेगुलर जो है हम यहाँ पर जो है जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका इंस्पेक्शंस करना है, उसका मेंटेनेंस जो है वो रेगुलर करते रहना है। प्रॉपर ट्रेनिंग जो है कि इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है उसको कैसे हैंडल करना है उसके ऊपर जो है आपको प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ जो है स्ट्रिक्ट यहाँ पर प्रोटोकॉल जो है उसको इन्फोर्स करना है जो भी पर्सन जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी के साथ में जो है काम करता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, तो माइक ब्राउन जो यहाँ पर जो है इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है। ठीक है, टाइमलाइन की अगर बात करें तो ये जो है ऑनगोइंग है यानी कि ये जो है कंटिन्यू करते ही रहना होगा, और इसके साथ साथ जो है पीरियोडिक जो इंस्पेक्शंस है इसका जो शेड्यूल मंथली रहेगा वो जो है आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है स्लिप ट्रिप और फॉल्स का, तो इसके लिए हम क्या मिटिगेशंस ले सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि जो वर्क एरियाज है उसको जो है क्लीन रखना होगा और उसको जो है वेल ऑर्गेनाइज करना होगा रखना होगा। इसके साथ साथ प्रॉपर लाइटिंग का जो है वहाँ पर इंस्टॉलेशन होना चाहिए, उस चीज़ को जो है हमें यहाँ पर इंश्योर करना होगा। क्लियर पाथवे जो है वो डेब्रिज के लिए भी जो है होना चाहिए यानी कि कहाँ पर जो है डेब्रिज को स्टोर करना है उसके लिए भी जो है एक क्लियर पाथवे होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है साइट का जो है इंस्पेक्शन जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है होना चाहिए ताकि हम वहाँ पर पोटेंशियल्स कोई भी जो हज़ार से क्या उस चीज़ को जो है यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सके। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, तो वो है सरा जॉनसन। टाइमलाइन की अगर बात करें तो ये डेली इंस्पेक्शन आपको यहाँ पर करना होगा और इमीडिएट एक्शन जो है वो लेने पड़ सकते हैं जब भी हज़ार्स को आइडेंटिफाई करते हैं उस वक्त। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है हज़ार्डस मटेरियल। हज़ार्डस मटेरियल के लिए क्या मिटिगेशंस जो है हम ले सकते हैं, जैसे कि इसका जो है प्रॉपर स्टोरेज हमें करना होगा, जो भी हज़ार्डस मटेरियल है उसका उसका प्रॉपर लेबलिंग करना होगा और उसको प्रॉपर हैंडल भी करना होगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है इस हज़ार्डस मटेरियल के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे। इसके लिए इसके साथ साथ जो है ये जो हज़ार्डस मटेरियल है इसका जो है सेफली कैसे हैंडल किया जा सके, इसको कैसे डिस्पोज करना है, इसके बारे में जो है ट्रेनिंग भी जो है वो कंडक्ट करना है। अब इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है, तो माइक ब्राउन हो गया इसके लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन माइक ब्राउन है, तो यहाँ पर जो है आप आपके साइट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जिम्मेदार पर्सन जो है उनका जो है नाम लिख सकते हो, जैसे कि साइट इंजीनियर हो गया उनका जो है आप यहाँ पर नाम लिख सकते हो। जैसे इसके अलावा भी जो है जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग में जैसे कि सेफ्टी पर्सन होते हैं तो आप उनका नाम न लेके डायरेक्ट जो है सेफ्टी पर्सन या फिर उनका डिसिग्नेशन जो है वो आप यहाँ पर जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स में जो है उनका नाम या फिर डायरेक्ट डेसिग्नेशन भी जो है वो डाल सकते हो, साइड में जो है उनका ब्रैकेट में जो है फिर उनका जो है नेम भी जो है आप वहाँ पर जो है लिख सकते हो। टाइमलाइन की अगर बात करें तो इसका जो है कंटिन्यूस जो है मॉनिटरिंग करते रहना होगा। ट्रेनिंग सेशन जो है वो जो है आप हर एक जो क्वार्टर है वहाँ उसमें जो है वो कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी का जो है यहाँ पर रिस्क असेसमेंट जो है वो किया है।
अब रिस्क असेसमेंट में जो है आपको रिस्क मैट्रिक्स के बारे में भी जो है पता होना चाहिए। अब रिस्क मैट्रिक्स जैसे कि मैंने वीडियो की जो है शुरू में ही जो है आपको बताया था कि रिस्क मैट्रिक्स को जो है आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि लो रिस्क होती है, मीडियम रिस्क होती है और हाई रिस्क होती है। तो इसके ऊपर जो है मैंने एक डेडिकेटेड जो है वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है मैंने आपको ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है दे दिया है। तो ये जो है रिस्क असेसमेंट कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी का आपको यहाँ पर जो है पता चल गया होगा। अगर आपका जो है इसके ऊपर कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर आपको जो है ये जो पीपीटी है इसको अगर डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर जो है इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।